देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सरकार। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फटाफट न्यूज पर। जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायत कोटमेर के पंसारी नाला में गांव के निस्तारी घाट में साफ सफाई कर श्रमदान किया। इस दौरान तहसीलदार, जनपद सीईओ, बीएमओ, बीओ सहित अन्य ने भी श्रमदान किया। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने बांके मोगरा क्षेत्र में खुलने वाले महाविद्यालय के प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। बांके मोगरा क्षेत्र के ग्राम अरदम में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां विद्युत विभाग प्रभावित बिजली खंभा क्षतिग्रस्त हो गया है। विद्युत तार भी जमीन पर लटक रहे हैं। इससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। कोरबा नगर सेना कार्यालय में उपलब्ध 12 राहत उपकरण एवं सामग्रियों का मानिकपुर पोखरी में परीक्षण किया गया। सभी 12 राहत उपकरण एवं सामग्री चालू हालत में हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग इमरजेंसी बोट का भी सफल परीक्षण किया गया। जिले के बांगो थाना अंतर्गत ग्राम लेपरा में अचानक मौसम बदलने से भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक साथ 3 गायों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक प्रवीण दुबे एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। उन्होंने जिले के सभी 6 सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त एस जयवर्धन ने निगम क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने प्रतिष्ठानों को विकास व निर्माण कार्यों संबंधी सौंपे गए कार्यों की वर्तमान कार्य प्रगति की समीक्षा, आवश्यक गति लाने के निर्देश दिए। नगर पंचायत छुरीकला के रावतपारा में संचालित माध्यमिक शाला कन्या में पदस्थ प्रधान पाठक बजरंग प्रसाद कैवर्त 39 वर्षों के दीर्घ सेवा काल के पश्चात 31 मई को सेवानिवृत्त हुए। लायंस क्लब ऑफ कोरबा एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयास से नगर के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजर छिड़काव का कार्य सेवा गतिविधि के रूप में संपादित किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाला, पुलिया, सड़क संबंधी विभिन्न निर्माण कार्यों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, कोरबा। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।